नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। बुलंदशहर में बेसिक स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनूपशहर क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बीएसए के साथ सभी बीईओ ने अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर वहां संचालित कामकाज के साथ ही शिक्षण कार्य का जायजा भी लिया। इस दौरान 14 शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिले। इन सभी शिक्षकों का एक एक दिन का वेतन भी काटा गया। जो शिक्षक अनुपस्थित मिले थे उनका एक दिन का वेतन काटा गया है और उसके पीछे आशय वेतन काटने का यही है कि वो अनुपस्थित न रहें, समय से विद्यालय पहुँचें और अपना शिक्षण कार्य अच्छे से करें। खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 का यूपी चुनाव उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक नंबर पर उनकी चर्चा होती रही है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह 2024 के चुनाव को लेकर भी उन पर सभी की निगाहें हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़फूंक की बात करे तो ये उसकी हताशा है। तीस करोड़ जनता आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, हम उनके बीच में, हम उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट करके हम संगठन का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों का स्नेह प्यार, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल, बड़ी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। लोग संगठन के साथ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हम इन्हीं के साथ इस समय लगे हुए हैं। देश में कोरोना महामारी के कारण गरीबों को और जरूरतमंदों को हो रही परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार द्वारा हर महीने फ्री राशन बांटने की योजना चलाई जा रही है। वो अभी भी गरीबों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन लाभार्थियों को इसका सही लाभ राशन डीलर की दबंगई की वजह से नहीं मिल पा रहा है। जहां संभल के तहसील गुन्नौर क्षेत्र के गाँव में भोजराजपुर में राशन डीलर के खिलाफ राशन कार्ड धारकों ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव भोजराजपुर में राशन डीलर गुड्डू देवी हैं, जो दबंगई के बल पर उक्त राशन डीलर को चला रही है। गांव के कार्ड धारक उक्त के पक्ष में नहीं है, वो उनसे अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं। सर, 15 साल की लड़की है मेरी और 19 साल की कर रखी है डॉक्टर ने पैसा लेके, उसकी उम्र बढ़ा रखी है। सर, मैं न्याय करना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए यहाँ। क्या मामला है? राशन कोटे का क्या है? ये है सर, गला काट के मिलता है। 6 माह हो गए हमें यहाँ पे आते आते, कोई सुनवाई है? 4 बार जाँच हो गई, 70% जनता खिलाफ है और उसी के पक्ष में बहाल कर देते हैं बार बार। कौन लोग हैं वो बहाल कर देते हैं? एकदम ठीक है ना, कौन अधिकारी? कौन है? एसडीएम साहब। अच्छा, खबर देवरिया से है, जहां जिले में 1 करोड़ रुपए का सरकारी खाद्यान्न का बंदरबांट सामने आया है, जिसकी जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को सूचना मिली है। तो वहीं इस मामले की जांच कराकर मार्केटिंग अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही डीएम ये भी कहा है कि जो खाद्यान्न शॉर्ट है उसकी रिकवरी कराई जाएगी। बता दें, खाद्यान्न कम होने की शंका 28 जुलाई को संयुक्त आयुक्त खाद्यान्न ने गोदाम का निरीक्षण करते समय जताई थी। शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी का व्यवस्था कर दी गई, जिसमें कि एफसीआई गोडाउन से सीधे कोटेदार की दुकान से सामान ले जाया जाता है। तो अब उन जो पुराने गोदामों का सत्यापन हम लोगों ने कराने का निर्णय लिया, ताकि वहां के स्टॉक का मिलान कर सके। इसी क्रम में भाटपार जो हमारी तहसील है, उसमें भाटपार ब्लॉक है, उसमें जो गोदाम है वहाँ पे, उसका सत्यापन किया गया। उसमें करीब 10,000 खाद्यान्न की बोरी, जो लगभग 5,000 क्विंटल होता है, वह सामान उसमें शॉर्ट पाया गया। इसका संज्ञान लेके इसमें एफआईआर जो वहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर है राहुल सिंह के खिलाफ लिखाई गई है, 3/7 में और अन्य धाराओं में, और बाकी कार्रवाई की जा रही है।
देवरिया के प्राथमिक विद्यालय में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों को अश्लील गानों पर डांस कराया जा रहा है। और जब वहां की टीचर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का रिहर्सल किया जा रहा है। बागी वाहिद आलम चिना उनकी यूट्यूबर के मारल गई लला जोन आदमी के मरवायला प्रधान आदमी बोला के मरवैले रहना हाँ। कल वे डेट में 30 तारीख के डेट में हम के यही पर उनके परिवार वाले लोग आके और जोन पहला बार वाहिद आलम को कल गई लला। औरैया में परिवहन विभाग ने स्कूली बसों के खिलाफ अभियान चलाया और स्कूली बच्चों को चेक किया गया। दरअसल बिना परमिट और बिना टैक्स दिए स्कूल में बसें चल रही हैं। आपको बता दें कि अजीत मल में एक ओमनी कार जो बच्चों को लेकर जा रही थी, उस कार का उस कार से बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्पेशली चलाया है स्कूल की गाड़ियों के लिए और स्कूल में वो गाड़ी जो प्राइवेट चल रही है, जो विदाउट पीली उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदाउट परमिट चल रही है, टैक्स नहीं दे रही है, उनके लिए अभियान चलाया है। तो अभी कोशिश करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंद करेंगे। बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारों की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां बरसात में पता नहीं चलता है कि सड़क कहां है और गड्ढे कहां है, क्योंकि सड़कों की हालत बद से बदतर है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं सड़क पर भरे हुए पानी में चलने को मजबूर हैं। सारी परेशानी है कि अहमदगढ़ से अगर वाले तक 10 किलोमीटर टुकड़ा लगभग 1.25 घंटे में दूरी तय होती है। गाड़ी में डेली टूट फूट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, गाड़ी समय पर नहीं मिल पाती, मरीज परेशान है। ये गांव की आकाशी है, उनकी डिलीवरी घर पे होगी, मरीज की गाड़ी समय पर ना पहुँच पाई। नहीं बोल, पागल हो गए बोलते बोलते, कौन सुन रहा है? देख ले यहाँ से वहाँ तक। किस गाँव के रहने वाले दादा? नंगला जगत के रहने वाले हम। तो दादा किस तरह की परेशानी आती है जब? परेशानी का घर से चाहे मरीज को हम कंधे से ले जाए, हमें जो भी दिक्कत है, हमें दिक्कत है और किसी क्या दिक्कत है। एक एक कम से कम 3-3 फीट पानी भर जाए ढकनंगला में, इसकी कोई सुनवाई ना आज तक। इसमें बस यही रहा, हर बार हाँ पास हो गई है, पास हो गई, इसका कोई समाधान ना आज तक। खबर औरैया जिले से है, जहां महिलाओं और बुजुर्गों से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। टप्पेबाज गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लोगों से लूटा गया माल भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो टप्पेबाजों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है, टप्पेबाजी का सामान भी बरामद किया गया है इन चोरों के पास से। आपको बता दें कि ये महिला बुजुर्गों को शिकार बनाते थे, टप्पेबाजी करते थे और उनका माल लेके रफू चक्कर हो जाते थे। तो लूटा गया माल भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये खबर औरैया से है, जहां टप्पेबाज गिरोह का पुलिस ने भांडा फोड़ कर लिया है। महिलाओं और बुजुर्गों से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। टप्पेबाज गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लोगों से लूटा गया माल भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो अभी सिर्फ 4 ही गिरोह के 4 ही सदस्य पकड़े गए हैं और एसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि लूटे गए माल के आधार पर इन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ भी करी जाएगी, इनके गिरोह के अन्य लोगों का पता भी इनके द्वारा लगाया जाएगा। विगत कुछ दिनों से महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाएं और 30-40 साल से ऊपर की महिलाओं के साथ टप्पेबाजी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिनमें जो ये गैंग है जिसका भी पर्दाफाश किया जा रहा है, उसमें ये लोग महिलाओं को अपने
मतलब समझाते थे कि आपके साथ किसी प्रकार की घटना होने वाली है और ऐसा है, ये गैंग के रूप में आते थे, आपस में बात करके इन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि अच्छा ये सही बता रहा है, बाबा बन गए और आपके साथ हुआ था, वो दूसरा बोलता था हाँ हाँ ऐसा हुआ था। इसी प्रकार से बुज़ुर्ग लोगों को ये बहलाते थे, फुसलाते थे कि अच्छा आपके ऊपर बहुत संकट आने वाला है, आप ये दीजिए, आगे जाइए 10 कदम, आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये पूरी कहानी गढ़ के काम करते थे। फ्रेंचाइजी संचालक राहुल शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। इस प्रकरण में अब महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने डीएम से मुलाकात की। ऑर्गेनाइजेशन ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष धनश्याम शर्मा ने बताया कि भदैया ब्लॉक के भरतीपुर निवासी राहुल शर्मा का अभी बीते दिनों 26 जुलाई को उसका अपहरण कर हत्या की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में सीओ लंबुआ और तहसीलदार लंबुआ ने हमें आश्वस्त किया था कि वो मांगों को पूरी करेंगे। हमारी मांग थी कि गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण करा जाए। इसी के ब्लॉक भदैया के गांव भरतीपुर निवासी राहुल शर्मा के अभी बीते दिनों 26 तारीख को उनका जो है अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उस दिन हम लोग जो है लाश का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन सीओ लम्हुआ और तहसीलदार लम्हुआ ने हमको आश्वस्त किया कि जो हमारी मांगे हैं उनको हम पूर्णतया पूरा करेंगे। हमारी जो 5 मांगे रहीं कि गिरफ्तारी करवाते हुए, इस घटना का अनावरण करते हुए गिरफ्तारी हो। खबर मथुरा से है, जहां के कोर्ट में कुछ दिनों पहले शाही ईदगाह मस्जिद, जहां प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मौजूद है, इसकी पूजा अर्चना और गंगाजल से पवित्र करने की कोर्ट के समक्ष मांग रखी गई थी और जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन कंटोलेंस होने के कारण नहीं हो सकी। और अब 3 अगस्त को सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ प्राचीन गर्भगृह पूजा पाठ की मांग को लेकर सुनवाई होगी। हमने पिछली बार प्रातःबद्ध यादव सिविल कोर्ट में कि जो हमारे कान्हा का जन्म स्थान है, जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, वहाँ हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते थे और वहीं पे पूजा पाठ करना चाहते थे, तो माननीय न्यायालय ने उसमें डेट लगा दी थी। तो हमने 26 जुलाई को डीजे साहब के यहाँ डिवीज़न दाखिल किया था, उसमें हमने मांग की थी कि हमको वहाँ पर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए और वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की परमिशन दी जाए। तो माननीय कोर्ट ने उसमें 1 अगस्त की डेट लगाई थी। आज किसी कर्मचारी के निधन होने के कारण कंडोलेंस हो गई, तो अब माननीय कोर्ट ने उसमें 3 अगस्त की डेट लगा दी है। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महापौर सीताराम जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी पहलवानों को आशीर्वाद भी दिया। बता दें, इस कुश्ती प्रतियोगिता का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को विजेता पहलवानों को पुरस्कार वितरित कर करेंगे। ये नागपंचमी के अवसर पर ये जो कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, यहाँ परंपरागत है। पिछले कई बार से यहाँ 3 तरह की कुश्ती होती है, एक गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीरभमन्यु। गोरखपुर केसरी 70 किलो से ऊपर के जो पहलवान होते हैं उनके लिए होता है। गोरखपुर कुमार 60 से 70 किलो वजन के लोग जो लोग होते हैं उनकी होती है, और वीरभमन्यु 50 से 60 किलोग्राम वजन तक के लोगों की होती है। खबर गोरखपुर से है, जहां पैसों के लिए रिश्तों को तार तार करने की घटना कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे ही मामला गोरखपुर जनपद के चिलुआताल थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां चिलुआताल पुलिस को एक सरकारी कर्मचारी ने सूचना दी कि कुछ लोग फोन करके उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और ना देने पर उसकी बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी भी दे रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय थाने के साथ ही सर्विलांस और स्वाट टीम को खुलासे के लिए लगा दिया और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं। बता दें कि भांजे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मामा का अपहरण करने और धमकी देने और देकर फिरौती मांगी थी। जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल पर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सूचना दी गई थी कि उनके फोन पर उनको डराने धमकाने और रंगदारी मांगने का फोन आ रहा है।
ये जो वादी है ये मूलतः बिजनौर के रहने वाले हैं और इनको शक था कि वहीं के किसी व्यक्ति द्वारा इनसे रंगदारी मांगी जा रही है और इनको इनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। क्षेत्र की कौवाबाग पुलिस चौकी के पास बियर की दुकान पर बदमाशों ने जमकर बबाल काटा। इतना ही नहीं, जब दुकानदार ने बदमाशों को मुफ्त में बियर नहीं दी तो सेल्समैन के ऊपर फायरिंग कर दी। वहीं पीड़ित अशोक सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई। जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर के जेल रोड के ऊपर एक बियर की दुकान पर फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण संबंधित थाना पुलिस सीओ साहब, एसपी सिटी साहब और हमारे द्वारा किया गया था। ये शहर में हुई फायरिंग की घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीमें इस संबंध में रवाना की गई थी। वादी की तहरीर पर 2 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बहुत ही अल्प अवधि में इस घटना में जो सभी अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। हरदोई जिले के अहिरोरी ब्लॉक की ग्राम सभा कोर्ट में अधिकारियों की मनमानी सामने आई है, जहां पर तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी की निरंकुशता के खिलाफ अब वहां का ग्राम प्रधान ही खुलकर सामने आ गया है। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप कर ग्राम पंचायत अधिकारी को जाँच करने और तबादला किए जाने की मांग की है। हम ग्राम सभा कोर्ट के प्रधान है, मेरे यहाँ सचिव सुधीर सिंह, हम 1,41,500 रुपया निकाला है, डोंगल ले लिया, 5-6 महीने बाद दिया, 6-7 महीने बाद जब डोंगल दे दिया हमको, पैसा निकाल लिया, जब वहाँ हमने एप्लीकेशन दे डीएम और सीडीओ साहब सबको, जब उन्होंने वहाँ पर कोई जांच नहीं हुई और उसके बाद में हम जब गए वहाँ तब कहा लगे ऐसा है तुम्हारा ऐसे प्रधानी नहीं करने दूंगा और कार्यकाल का पैसा तुम्हारा वेतन भी नहीं निकालूंगा। ऐसे प्रधानी राजनीति में दबाव से हमारा कोई सुनवा दोनों हमको साहब इनका हस्ताक्षर भी कर दिया जाए तभी नहीं कोई सुन नहीं रहा हमारा। खबर आगरा से है, जहां कुछ दिनों पहले दिन दहाड़े 44 लाख की लूट करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी और 5 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे और अब 6ठा आरोपी भी पकड़ में आ गया है और पुलिस आरोपियों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली में दिनांक 22/7/22 को तिवारी गली में एक दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसमें 40 लाख रुपए की लूट की थी। इस घटना में शामिल रहे 5 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और उनके कब्जे से 15,49,000 रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महिला से चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 29 तारीख को थाना हरिपर्वत क्षेत्र में महिला से चेन लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उससे मुलजिम की शिनाख्त हुई और फिर उसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया मुलजिम का नाम है शाहरुख उर्फ बिट्टू, ये थाना क्षेत्र रकाबगंज का रहने वाला है। इस पर पहले से भी 2 मुकदमे पंजीकृत है, एक थाना मंटोला में 307 का मुकदमा वर्ष 2018 में लिखा गया था, दूसरा मुकदमा थाना न्यू आगरा में वर्ष 2019 में रंगदारी का लिखा गया था। इसने पूछताछ पर बताया कि इसने अपने घर में इस चेन को छुपा के रखा गया है तो इसी की निशानदेही पर इसके घर से चेन को बरामद किया गया। बांदा में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत तो हो गई, जिसमें पुलिस ने दीवान सहित 2 की मौत हो गई है। तिंदवारी थाने में मृतक दीवान तैनात थे। बता दें कि घटना का शिकार दोनों युवक शराब के नशे में थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। घटना तिंदवारी थाना अंतर्गत बांदा रोड पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है।
कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ दो बाइकों के बीच में, जिसमें कि दो लड़के बाइक से आ रहे थे बहुत तेज रफ्तार से और उन्होंने शराब भी पी रखी थी, उनके जेब से भी बोतलें बरामद हुई हैं। उनकी टक्कर एक हमारे हेड कॉन्स्टेबल जो कि थाना तिलवारी में पोस्टेड थे और वो गुड़ी चौबे थी, वो उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर आगरा से है जहां फतेहपुर सीकरी में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक ने दूसरे युवक को पैसों को लेकर गोली मार दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था, तो वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29/7/2022 को थाना फतेहपुर सीकरी पे एक सूचना मिली कि साकुली बैरियर जो कि थाना फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आता है, वहां पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल वहां पे पुलिस मौके पर पहुंची, जो इंजर्ड था उसको तुरंत गाड़ी में बिठा के इन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। दौराने इलाज इसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 30/7/2022 को इनके परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थाने पर। थाने द्वारा तत्काल इस पर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होने से गंगा के जलस्तर लगभग 5 फुट बढ़ गया है। इससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। नगर के बुलंदशहर के छोटी काशी जानवीर प्लेटफॉर्म पर 10 फुट अंदर तक जल आने से स्नान करने वालों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। गंगा खादर के गांवों के जंगल भी जलमग्न हो गए हैं। सोमवार को नगर के अनूपशहर छोटी काशी जानवीर प्लेटफॉर्म पर जल 1.5 फुट ऊपर चढ़ गया है और पानी 10 फुट अंदर तक आ गया है। प्लेटफॉर्म पर गंगा आरती नहीं हो सकी। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। SDM विमल कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगा तटीय गांवों के लेखपालों से निरंतर रिपोर्ट ली जा रही है। एक अगस्त को द लखनऊ पेपर मर्सेंटाइल एसोसिएशन के द्वारा प्रतिवर्ष पेपर डे मनाया जाता है। आज इस अवसर पर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी एकत्रित हुए और उन्होंने इस दिन को कागज पर्यावरण मित्र के रूप में मनाया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मित्तल ने पेपर से बने हुए बैग यूज करने की सलाह दी और साथ ही साथ बताया कि पेपर के बने हुए सामानों को यूज करने के कई फायदे होते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कागज़ के बारे में चला रहे हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी सालों से हम लोग चला रहे हैं और ये प्रोग्राम जो ऑल इंडिया एक हमारी संस्था है, फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके हम लोग मेंबर हैं और 36 मेंबर ऑल ओवर इंडिया हैं और 14,000 उसके अंडर मेंबर्स हैं। आगरा SSP द्वारा गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत थाना मंटोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने क्षेत्राधिकारी छत्ता के नेतृत्व में मर्डर में शामिल आरोपी संजय मोहन की गिरफ्तारी की है। बता दें कि पकड़ा गया अभियुक्त 2020 में छत्ता क्षेत्र में हुए एडवोकेट यशवीर के मर्डर में शामिल था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा द्वारा गैंगस्टर के मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान थाना छत्ता पर मुकदमा अपराध संख्या 33/22 जो 2/3 गैंगस्टर एक्ट की धारा में पंजीकृत किया गया था, इसमें 6 मुलजिम पहले से गिरफ्तार किए जा चुके थे। आज थाना मंटोला की टीम ने CO छत्ता के नेतृत्व में संजय मोहन पुत्र स्वर्गीय राजपाल की गिरफ्तारी की है। जो अभियुक्त है गिरफ्तार किया गया, ये थाना क्षेत्र छत्ता में वर्ष 2020 में हुए एडवोकेट यशवीर के मर्डर में शामिल रहा था। गाजियाबाद की अनाज मंडी में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या में पूर्व ड्राइवर राहुल को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने आरोपी राहुल को फांसी की सजा सुनाई है। लूट के इरादे से किए गए इस चर्चित हत्याकांड में राहुल के जुर्म को साबित करने में सबसे अहम सबूत मौका वारदात से दीवार पर मिले खून से सने हाथ के पंजे का निशान रहा। फॉरेंसिक जांच में साफ हो गया था कि ये निशान उसके ही पंजे का था।
21 मई 2013 की रात को राहुल वर्मा के द्वारा 7 जनों की हत्या करी गई, जिसका आज जजमेंट आया 9 साल के बाद। आज जीत हासिल करी है। ये जब पकड़ा गया था तो इससे 6000 रुपये और कुछ ऑर्नामेंट्स बरामद हुए थे। वो ऑर्नामेंट्स आइडेंटिफाई किए दामाद ने कि ये हमारी परिवार के ऑर्नामेंट्स हैं। मौके से फुटप्रिंट उठाए गए थे, सिगरेट का एक टुकड़ा मिला था और घटना स्थल पर दीवार पर अभियुक्त के हाथ रक्त रंजित हाथ का पंजे का निशान था। ये सब चीज़ें उठाई गई, सिगरेट पर लगी लार और जो अभियुक्त की लार है उसका मिलान किया गया वैज्ञानिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, तो वो मिलान हुआ। सावन महीने में हर तरफ बम बम भोले के नारे और जयकारे लगाए जा रहे हैं और लोगों द्वारा कांवड़ियों को लेकर हर जगह स्वागत किया जा रहा है, व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। इस दौरान हरदोई से बीजेपी विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू कांवड़ियों के साथ थिरकते नजर आए। विधायक ने बताया कि कांवड़ियों को लेकर उनके द्वारा फूल की वर्षा और खाने की व्यवस्थाएं कराई गई, लेकिन जैसे ही कांवड़ लेकर कांवड़िए उनके पास पहुंचे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का पुल बनवाया था। पुल में लगे हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया था जो समुद्र में तैरते रहे। इसी तरह का एक पत्थर मैनपुरी की ईशन नदी में ग्रामीणों को मिला है। ग्रामीणों का दावा है कि राम नाम लिखा ये पत्थर नदी में तैरता रहता है, तभी चरवाहों की उस पर नजर पड़ी और एक चरवाहा नदी में घुसकर पत्थर को बाहर निकाल लाया। राम नाम लिखे इस पत्थर को देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए। आस्था भगवान से इसकी पूजा कर रहे हैं। हालांकि विज्ञान के अनुसार पानी में पत्थर का तैरना संभव है। मैनपुरी मैंने न्यूज द्वारा और लोगों के द्वारा भी सुना था, ग्राम अमलपुर में प्रधान जी के यहाँ श्री राम लिखा हुआ एक पत्थर पाया गया है जो कि बच्चों को नदी में मिला था तैरता हुआ। बच्चे उठा करके प्रधान जी के यहाँ लेकर के आए, उन्होंने अपने घर पर रखा हुआ है अभी, फिर इसको ले जा करके बता रहे हैं कल इसको जो है अपने ग्राम के आश्रम में इसको स्थापित करवाएंगे, कुंड बनवा के उसमें गंगा जल भरवा के वहीं पर स्थापित। बड़ी खुशी की मैं न्यूज हो रही है ना, हम लोगों को खुशी है, बड़ा हिसाब से उसे रखे हैं, नदी से लाए हैं, अब वो आश्रम पे स्थापित कराएंगे। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ तक ये सच है? अरे लगातार आ रही है भाई, परसों से लगातार 100-200-400-500 की भीड़ हो रही है। शाहजहाँपुर जिले में NH-24 पर तिलहर क्षेत्र के कपसेड़ा गांव पास हादसा हो गया। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के खललपुर गांव के 62 कांवड़िया गोला में जलाभिषेक करने के बाद DCM से घर जा रहे थे, तभी कपसेड़ा में नए पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर हाईवे पर आई ट्रक ने DCM को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 कांवड़िए जख्मी हो गए। वहीं हादसे के बाद उग्र हुए कांवड़ियों को देखकर चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। इस दौरान नाराज कांवड़ियों ने हाईवे की दोनों साइडों को जाम कर दिया। हमें कचला से जल भरा था जी, बोला जा रहे चढ़ाते जी, घर जा रहे थे, वापसी में घर जा रहे, वापसी में जल करा के जी, पीछे से उसने गाड़ी मार दिया। क्या थी ट्रक था? क्या ट्रक था? ट्रक जी, हमारी DCM जी, उसने टक्कर मार दी। पीछे से? पीछे से इधर से हमारे पास करीब 4 या 5 कवरियाँ भेजे गए, इसमें 2-4 गंभीर, बाकी सब नॉर्मल है, सभी का इलाज किया जा रहा है, सभी को भर्ती कर। हरदोई थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। प्रकाश गुप्ता है, ये मानपुर गांव के रहने वाले हैं, थाना बेहटा गोकुल के। इन्होंने तमंचे से गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इसमें जानकारी में ये आया है कि कुछ इनका पारिवारिक विवाद था और इनका एक वर्ष पूर्व शादी भी हुई थी और इनका गृह कलेश इसलिए भी चलता था कि
लोगों को शक था कि इनका कहीं और प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसमें पूरी जानकारी और जुटाई जा रही है। बरेली में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सॉल्वर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। एसटीएफ को सूत्रों से खबर मिली कि जीजीआईसी में बिहार का रहने वाला सॉल्वर अभ्यर्थी रामपुर के अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है, जिसके बाद एसटीएफ टीम ने जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाकर सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र चेक किए और सॉल्वर को गिरफ्तार किया। फिलहाल एसडीएम मीरगंज डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस तरह से परीक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए सॉल्वर अभ्यर्थी से पूछताछ की जाएगी। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा जीजीआईसी बरेली में चल रही थी, तभी एसटीएम की टीम वहां पर पहुंची और ये एक विशेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि रूम नंबर 4 में एक छात्र जिसको परीक्षा देना था उसके स्थान पर कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था, और जब वहाँ पर जांच की गई तो ये पता चला कि रिंकू जो वास्तविक छात्र था उसके स्थान पर राजीव कुमार नाम व्यक्ति जो है वो परीक्षा दे रहा था। उसको तत्काल बुला करके पूछताछ की गई और पूछताछ में उसने अपने इस बात को स्वीकार किया कि वो रिंकू के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग का दावा करने वाला ये शिवलिंग उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगुपुर गांव में स्थित है। मंदिर का नाम है पृथ्वीनाथ। भगवान भोलेनाथ की उपासना का विशेष महत्व है। बता दें कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी है, जहां सावन के पवित्र महीने में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है इस मंदिर में। भारत के वन प्रेम विस्तार उसे कथा आता है कि यहीं पर जो है भीम ने पिकासो के नाम राक्षस का वध किया था। राक्षस को मारने के बाद उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अन्वय विनय किया। उन्होंने कहा यहीं पर भगवान श्री की स्थापना करो, इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। आज से लगभग 6,500 वर्ष द्वापर में भगवान शिव की स्थापना भीम के द्वारा की गई थी और यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मानव निर्मित को छोड़ करके एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। अगर इससे बड़ी शिवलिंग कहीं आपको मिलती है तो मानव निर्मित होगी, उनकी दंत कथा मिलेगी, शास्त्रों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। पर श्रद्धा लेकर के आदमी आता है, हर इंसान जो है अपने श्रद्धा लेकर के आता है, विश्वास से आता है कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, और सभी का मनोकामना पूर्ण होता है, होकर के रहता भी है, यह सत्यता है। हमारे पृथ्वी बाबा का भोलेनाथ जी का जो है यह सत्यता है। बाबा पृथ्वीनाथ गोंडा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और एशिया में सबसे बड़े शिवलिंग हमारे यहाँ पृथ्वीनाथ बाबा मंदिर पर देखने को मिल रहा है, और हर सावन में बाबा भोलेनाथ के यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अर्जन पूजन करते हैं। बस जय भोलेनाथ। कब से आ रहे हैं आप? हम तो दूसरी बार आए हैं। इससे बड़ा कोई शिवलिंग नहीं है। ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पाँचों पांडवों ने मिलकर इस बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की थी। मैं नंदलाल तिवारी, बलरामपुर नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, जब भी किसी शिवालय पे जाता हूँ तो हम शिवमय होके जाते हैं। सारे माया मोह चिंता सब कुछ मुक्त करके मैं पहुँचता हूँ, और इस बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, इस प्रांगण में जब भी आते हैं लोग, बिल्कुल शिव शक्ति उनको मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।